दोस्तों, होम लोन हमें काफ़ी सोच समझ के लेना चाहिए क्योंकि ये वंस इन ए लाइफ टाइम डील होती है। मोस्टली जो लोग होते हैं लाइफ में एक बार ही होम लोन ले पाते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी लॉन्गर रिपेमेंट पीरियड रहता है, अराउंड 30 ईयर्स तक का, और इस पर काफ़ी भारी भरकम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें भरना पड़ता है, चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इसलिए हम बेस्ट लोन चूज़ करें ताकि हम अपने हार्ड अर्न मनी को सेव कर पाएँ। ऑलमोस्ट सभी जितने भी बैंक्स हैं मार्केट में, मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनीज हैं, तो सभी होम लोन ऑफर करते हैं। सबके अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, क्राइटेरियाज हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, चार्जेस हैं। आप जब भी होम लोन लें एक बार आराम से थोड़ी स्टडी कर लें, सभी होम लोन स्कीम्स को कंपेयर कर लें ताकि आप उनमें से बेस्ट चूज कर पाएं। उन लोन्स को कंपेयर करने के लिए इंडियन हाउसिंग यूट्यूब चैनल से बेस्ट कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंकों के होम लोन स्कीम्स के वीडियोस अवेलेबल हैं और हर अल्टरनेट डे पे हम नया वीडियो डालते हैं। तो अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देख लें ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज कर पाएं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस बैंक होम लोन स्कीम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एक्सिस बैंक होम लोन स्कीम। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर अवेलेबल है। तो ये सिंपल कैलकुलेटर होता है, इसमें आप अपना होम लोन अमाउंट डालिए, टेनर डालिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिए, आपको अपनी ईएमआई दिखा देगा। तो एक्सिस बैंक के पास बहुत सारे अलग अलग होम लोन स्कीम्स अवेलेबल हैं। एक तो जनरल एक्सिस बैंक होम लोन स्कीम है, क्विक पे होम लोन, शुभ आरंभ होम लोन, फास्ट फॉरवर्ड होम लोन, आशा होम लोन, टॉपअप होम लोन, सुपर सेवर होम लोन, पावर एडवांटेज होम लोन, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो अलग अलग स्कीम्स हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के पास अवेलेबल है। जितने भी बैंक होम लोन दे रहे हैं सब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर भी होम लोन प्रोवाइड करते हैं। पर प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आपको होम लोन चाहिए उसमें आपका जो हाउस होल्ड इनकम है वो 18 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके फैमिली इनकम जो है, आपकी इनकम जो है 18 लाख से ज्यादा है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। और एक और प्री कंडीशन है इसमें कि आपके नाम पे इंडिया के किसी भी कोने में पक्का मकान नहीं होना चाहिए क्योंकि आप इस लोन स्कीम का लाभ खाली अपने फर्स्ट हाउस के लिए ले सकते हैं। बाकी अगर आपको इस स्कीम के बारे में और भी डिटेल चाहिए तो इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक होम लोन स्कीम के बारे में। एक्सिस बैंक होम लोन स्कीम, कोई भी रेजिडेंट इंडियन या एनआरआई इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं प्रोवाइडेड कि उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस लोन स्कीम को अवेल करने के लिए। एक्सिस बैंक होम लोन एलिजिबिलिटी, दोस्तों कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आप किसी तरह के भी प्रोफेशन में होने चाहिए, आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए विद वैलिड इनकम प्रूफ, आप लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप सर्विस में हैं तो आप परमानेंट सर्विस में होने चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं या किसी रिप्यूटेड प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, आप उस सर्विस में परमानेंट होने चाहिए। एप्लीकेंट की जो एज है सैलरीड के केस में या बाकी सभी केस में, मिनिमम एज जो है 21 ईयर है, बट सैलरीड के केस में जो मैक्सिमम एज है दैट इज 60 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ रिटायरमेंट, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको ये सारा लोन पे ऑफ करना पड़ेगा। प्रोफेशनल्स की बात करें तो उस केस में भी मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 65 ईयर्स है। प्रोफेशनल में कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, तो आप कोई भी प्रोफेशनल हैं एज 21 टू 65 के बीच में हैं तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, आप कोई भी प्रोफेशन से हो सकते हैं, अपने शॉपकीपर हो सकते हैं, कोई स्मॉल बिजनेसमैन हो सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, बट आपके पास वैलिड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और वैलिड इनकम प्रूफ भी होना चाहिए और इसमें भी एज जो है 21 टू 65। तो खाली सैलरीड के लिए जो मैक्सिमम एज रखी है दैट इज 60 ईयर्स, तो बाकी वालों के लिए 65 ईयर्स रखी गई है। एक्सिस बैंक होम लोन क्वांटम, तो मिनिमम लोन अमाउंट जो स्कीम के अंडर है दैट इज 3 लाख रुपीज और मैक्सिमम लोन अमाउंट है 5 करोड़। तो 3 लाख से 5 करोड़ के बीच में डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड रिपेइंग कैपेसिटी, तो रिपेइंग कैपेसिटी और प्रोजेक्ट कॉस्ट दोनों को देख के देखा जाएगा कि आपको कितना मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 30 लाख रुपीज, अप टू 30 लाख तक 10% का मार्जिन रहेगा, यानी कि 10% आपको खुद से कॉन्ट्रीब्यूट करना है। 30 लाख का 10% है
3 लाख रुपीस जो कि आपको खुद से देना पड़ेगा, बाकी बच गया 27 लाख। तो अगर आप 27 लाख की ईएमआई अपने सैलरी से भर सकते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ टेक होम पे नॉर्म्स, क्योंकि टेक होम पे जो नॉर्म्स हैं वो आरबीआई के नॉर्म्स हैं और ऑलमोस्ट सभी बैंकों को फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें आप जो है अपने 40-50% पार्ट जो होता है सैलरी का उसी से ईएमआई भर सकते हैं, बाकी आपका 50-60% तक जो आपकी सैलरी होती है या इनकम होती है टेक होम पे रहती है उसको सेफली आपके घर पे जाना है, उसको बैंक नहीं छेड़ेगा, उसमें से ईएमआई नहीं ले सकता। तो आपका 40-50% तक जो पार्ट बचता है इनकम का उसी से आपको इस लोन की भी ईएमआई देनी है। अगर आपके ऑलरेडी कोई और लोन चल रहे हैं तो उन लोन्स की भी ईएमआई आपको इसी पार्ट से देनी है। वो सारी ईएमआई डिडक्ट करने के बाद देखा जाए कि अगर आप उतनी ईएमआई पे कर पाते हैं तभी आपको उतना लोन दिया जाएगा। वो सिंपली आप ऊपर जाके जो ईएमआई कैलकुलेटर मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिन मैं आपको बता रहा था, अगर आपकी होम लोन रिक्वायरमेंट है 30 लाख से 75 लाख के बीच में तो 20% मार्जिन रहेगा, और अगर आपकी लोन रिक्वायरमेंट है अबव 75 लाख तब 25% मार्जिन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो उस केस में 25% यानी कि 25 लाख आपको खुद से देना होगा और 75 लाख तक आपको लोन मिल जाएगा। एक्सिस बैंक से आपको अपनी किसी भी हाउसिंग लोन रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोन मिल जाएगा, चाहे आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, रेडी बिल्ट हाउस लेना चाहते हैं, टेक ओवर करवाना चाहते हैं अपने होम लोन का, रिपेयर रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी होम लोन रिलेटेड आप एक्सिस बैंक से पूरा कर सकते हैं। होम लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबसे पहले आपका केवाईसी लिया जाएगा, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, उसके बाद में आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड जो है वो मस्ट रहेगा, क्योंकि पैन कार्ड से आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाता है और सिबिल स्कोर से ही बैंक को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का पता चलता है, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक होगी तभी आपको बैंक से लोन मिलेगा, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर हाई होगा तो आपको बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाएंगे। के बाद में आपको देना होगा अपना इनकम प्रूफ जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे, अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स होंगे वही आपका इनकम प्रूफ रहेगा। इसके अलावा आपको देनी होगी फॉर्म 16 की कॉपीज, और अगर आप नॉन सैलरीड हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में है अदर देन सैलरीड, तो आपकी ITR की कॉपीज जो होंगी वही आपका इनकम प्रूफ रहेगा। और अगर आप बिजनेसमैन है तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी का जो प्रूफ होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो वो भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लोन ले रहे हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट देना होगा पूरा डिटेल, जिसमें मेंशन किया होगा क्या क्या कंस्ट्रक्शन आप करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन की परमिशन देनी होगी, अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज देनी होगी, रेडीमेड फ्लैट खरीद रहे हैं तो ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट की कॉपी देनी होगी। तो डिपेंड करेगा आप प्रॉपर्टी किस तरह की ले रहे हैं या आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, उसी के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और आपके जो टाइटल डीड्स रहेंगे, ओरिजिनल टाइटल डीड्स रहेंगे, वो बैंक के पास रहेंगी जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। और आप जो हाउस प्रॉपर्टी लेंगे लोन अमाउंट से या आपकी जो प्रॉपर्टी होगी जिसपे आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वो मॉर्गेज रहेगी, उसकी इक्विटेबल मॉर्गेज की जाएगी, और वो मॉर्गेज रहेगी बैंक के पास जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो आपके जो टाइटल डीड्स हैं एज इट इज आपको लौटा दिए जाते हैं। एक्सिस बैंक होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एक्सिस बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो डिपेंड करते हैं सैलरीड के लिए और नॉन सैलरीड के लिए अलग हैं। अगर सैलरीड की बात करें तो 2 तरह के रेट्स आपको मिलेंगे, एक फ्लोटिंग रेट है, एक फिक्स रेट है। तो फ्लोटिंग रेट जो है वो रेपो से लिंक्ड होगा, रेपो बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, रेपो घटेगी तो रेट घटेगा। तो फ्लोटिंग रेट में 6.90% to 8.40% और फिक्स रेट में 12%, और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए फ्लोटिंग रेट में 7% to 8.55% और फिक्स रेट में 12%। बट ये जो रेट्स आप देख रहे हैं ये रेट्स इंडिकेटिव रेट्स हैं, 6.90% to 8.40%। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे और आपके सिबिल स्कोर पे। अगर आपका सिबिल स्कोर हाई होगा तो आपको बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाएंगे, और अगर आपका सिबिल स्कोर कम होगा तो आपको रेट्स थोड़े ज़्यादा चार्ज किए जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर डाउन आता जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, सिबिल स्कोर हाई होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाएंगे। एक्सिस बैंक होम लोन चार्जेस, तो एक्सिस बैंक के होम लोन चार्जेस जो हैं 1% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम 10,000, तो कम से कम 10,000 से आपसे लिए जाएंगे, और उससे ज़्यादा अगर बनते होंगे तो वो भी आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि जितना भी आप लोन ले रहे हैं उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा
5000 आपसे अपफ्रंट चार्जेस ले लिए जाएंगे पहले ही आपसे एडवांस में जब आप अप्लाई करेंगे, तो 5000 बैंक के पास रहेगा। इनकेस अगर आप उस लोन को कैंसिल कर देते हैं, नहीं लेते हैं, तो वो आपका 5000 किसी भी केस में रिफंड नहीं किया जाएगा। और अगर आपका होम लोन जो है वो सैंक्शन हो जाता है, अगर आप आगे होम लोन लेते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप बाद में पे कर सकते हैं। उसके अलावा और भी चार्जेस होते हैं जो कि कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाता है बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा, और उसकी जो वैल्यूएशन होती है, पूरी रिपोर्ट होती है, उसके चार्जेस कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी के लीगल ओपिनियन लिया जाता है, जो कि बैंक का एक पैनल लॉयर होता है आपकी प्रॉपर्टी पर पूरी लीगल रिपोर्ट तैयार करता है, उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। और अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। और ये चार्जेस ऑलमोस्ट सभी बैंकों में आपसे लिए जाते हैं, बट हाँ, प्रोसेसिंग चार्जेस पे आप बैंक से कई बार नेगोशिएट भी कर सकते हैं, और बहुत बार प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो वेव्ड भी होते हैं। तो हम रेगुलरली अपने चैनल पे इन्फॉर्म करते रहते हैं जब भी किसी बैंक का वेवर आता है। और हाँ, एक चीज हो रहा है, अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी कम बन रही है, आपको कम अमाउंट मिल रहा है, आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए, तो उस केस में आप अपने फैमिली मेंबर्स को एज को बोरोअर ऐड कर सकते हैं। उनको ऐड करने से उनकी इनकम भी जो है वो भी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बट इसके लिए आपको उनको एज को बोरोअर ऐड करना पड़ेगा, और एज पर एक्सिस बैंक इस लोन में वो कोई भी प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं ले रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, दोनों तरह के अवेलेबल हैं, फ्लोटिंग भी और फिक्स भी, बट फ्लोटिंग के लिए सारे ऑप्ट करेंगे, फिक्स के लिए कोई भी ऑप्ट नहीं करेगा, क्योंकि फिक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है एट प्रेजेंट, क्योंकि इस टाइम पे फ्लोटिंग रेट्स बहुत कम है। बट फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बार बाकी वीडियोस को भी जरूर देख लें, उनसे कंपेयर कर लें, क्योंकि होम लोन जो है वो वंस इन अ लाइफ टाइम डील होती है। तो बेस्ट डील चूज करें और अपनी मैक्सिमम सेविंग करें। तो दोस्तों, ये था एक्सिस बैंक होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।